अर्श टीवी न्यूज देखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वड्डी खबर जलंधर जिमनी चोणा नूं लैके आ रही है, जिथे के अज श्रोमणी अकाली दल वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सद्दी गई है। दस दिए कि जलंधर जिमनी चोणा नूं लैके श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि आ रही जलंधर दीआं जिमनी चोणा श्रोमणी अकाली दल अते बसपा मिलके लड़नगे। उन्होंने इत्थे ये भी तस्दीक कर दिता है कि इन्हां चोणां विच उम्मीदवार अकाली दल का होण वाला है। इस दे नाल उन्होंने सूबा सरकारां ते फसलां दे मुआवजे नूं लैके निशाना विन्निया है। की कुछ कहिंदे नज़र आए ने श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल, आओ देखते हैं। अज प्रेस जलंधर प्रेस क्लब विच श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी की समुची लीडरशिप इकट्ठी आई है। बैनीवाल साहब जो BSP दे मिलदा नॉर्थ इंडिया दे इंचार्ज समझो, जिहड़े 3-4 स्टेटां दे अपने अड़ी साहब जो पंजाब के प्रधान है, करीमपुरी साहब जो साढ़े सीनियर लीडर है, तो समुची उन्हां दी सारे इंचार्ज है। पिछले दिन लगातार साड़ियाँ मीटिंगां होईयां, विचारां होईयां, क्योंकि साडा गठजोड़ इह जिहा है कि परिवार वांगू है। जो भी असीं काम करदे हां सलाह करके, एक दूजे नाल गल करके, डिस्कस करके, तो असीं फैसला करदे हां। आई कारण है कि अज इन्नी देर पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। सो सारा कुछ देख के इलेक्शन नूं देख के फैसला किया गया साढ़े दोनों तरफों कि आ जिहड़ा इलेक्शन है जलंधर बाई इलेक्शन श्रोमणी अकाली दल लड़ेगा। एंड साढ़े असी तो श्रोम BSP तो अकाली दल काडर कट्ठे हो के आ इलेक्शन जितेगा। तो असी अपनी भी काडर की मीटिंग की है, तो अज BSP ने अपने समुचे स्टेट बॉडी की मीटिंग की, सारे वर्करां नूं इकट्ठा किया, तो सारे ने उन्होंने आशीर्वाद ना सारे ने प्लानिंग करके हूँ असी पूरा मुकम्मल किलेबंदी कर ली है। तो कल परसों तो साड़ियाँ सारे वर्कर पंजाब के दोनों पार्टियां दे इत्थे पहुँच जाएंगे जलंधर, तो साड़ी कैंपेन शुरू हो जानी है। एंड जय जी हालात अज है, परमात्मा मेहर करे जलंधर दे लोग इस गठजोड़ नूं आशीर्वाद जरूर देंगे। आ तां साडा पहली इशू है। दूजी इशू ते जिहड़ी मैं अज गल करना चाहुंदा है कि मैं हुणी हुणी मैनूं खबर आई है, किसी अफसर ने दस्या है, देखो किन्नी वड्डी ठगी। भगवंत मान बेईमान इहदा नाम है, मान दा बेईमान, जिसने हुण जिहड़ा करोड़ां रुपये लखां एकड़ जमीन फसल तबाह होई है, इंस्ट्रक्शन दित्तियां गईयां DC नूं कि किसी दे 33% तो वध नुकसान दिखाओ ना। देखो एड्डी माड़ी गल, उत्ते बयान देता जी जिहड़ा 70% उत्ते 15,000 देवांगे, दूजा देवांगे, हुण इंस्ट्रक्शन दे दियां कि 33% तो वध दिखायो ना, सानूं पैसा नहीं दित्ता जाणा इन्ना। देखो किड्डी बेईमानी इहनां दे मन च है, इह तों वध बेईमानी कौन कर सकदा जिन्नी आ करदे आ। हले तक नरमे का मुआवजा नहीं दिता, हले तक पिछले झोने का मुआवजा नहीं दिता, तो हुण कणक का नुकसान होया, तो हुण 33% ते करन लगे है। देखो अच्छा होर वड्डी गल है, अगले 5-7-10 दिन मैक्सिमम लोगों ने अपने खेत वाह लेने हैं, क्योंकि अगली फसल की तैयारी करनी पैनी है। जे जिस दिन खेत वाले तो फिर पटवारियों ने अफसर मौज बन जाऊगी, पैसे लैणगे कि अज तुहानूं पाउणा ही नहीं पाउणा। कोई कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है। इस करके मैं भगवंत बेईमान नूं मैं कहना चाहुंदा, जे तुसीं आ ठगी कीती, जे 33% ते रखिया, तो समुचा अकाली दल BSP काडर असीं सड़कां ते आवांगे, तो इंश्योर करांगे तुसीं अपना जिहड़ा गलत फैसला लिता, जिहड़ा अनुपचली कीता, उहदे खिलाफ़ असीं सारा पंजाब खड़ा करांगे। तीजी गल जिहड़ी है, अज इहने अनाउंस कीता है, सही मायने ते इस अनाउंसमेंट ने थोनू एक वार्निंग भी देती है। अज इन्हें अनाउंस किया कि 2 मई तो सरकारी दफ्तर का टाइमिंग 7:30 सवेरे तो लैके 2 बजे तक, मैं लगता पहली बार हिस्ट्री होया। बिजली पैदा की करनी सी, बिजली खरीद के थोनू देनी की सी, कहता कि 2:30 के बाद बिजली कट लगने है, तुसीं घरे बह के पखे झालन वास्ते तैयार हो जाओ। अज तक किसी हिंदुस्तान की सरकार ने आने किया कि सवेरे 7:30 दफ्तर खुलेंगे 2 बजे तक। एंड जो सब तो वध
बेचारियां जिहड़ी लेडीज मुलाजम है वह बेचारी लेडीज मुलाजम ने अपने घरे बच्चों नूं पढ़ाउण स्कूल भी भेजना उन्होंने तैयार भी करना है रोटी भी पकानी है इहदा मतलब वह 2 बजे सवेरे उठे करन जिहड़ी जिम्मेवारी सरकार दी सी बिजली पैदा करनी उहदे बाद अरेंजमेंट करनी ते बिजली देनी वह तो करते नहीं अपनी नाकामियां नूं लुकाउण वास्ते आना कुत्ता आ तो श्रोमणी अकाली दल की सरकार सी जिन्हें पावर सरपलस करके सूबा हैंडओवर किया सी सो आ एक असी स्ट्रोंगली कंडेम करते हैं जिहड़ी आ सरकारी दफ्तर का पॉलिसी जिहड़ी इन्हें बनाई है 7:30 बजे तो लैके तुसीं दसो इहदा मतलब सारे जिन्हां दे कम है सवेरे 5 बजे उठ्या करनगे ते सवेरे 7:30 बजे तक दफ्तर पहुँचा करनगे सारा सिस्टम ही परिवारों का हिल जाना है आदि हालात बनाई पई है इस करके मैं जलंधर वासियों को कहना चाहना है थोड़े को एक मौका आया पंजाब को बचाने का जिवें संगरूर ने झटका दिता एक्टी वड्डा झटका दे दिओ बंदे बना दिओ इन्हां नूं आम आदमी पार्टी वालों फिर तो पंजाब बच सकता है तुसीं श्रोमणी अकाली दल BSP गठजोड़ नूं तगड़ा कर दिओ सानूं जिता दिओ असली थोड़ी आवाज़ थोड़ी ढाल थोड़ी फौज आ बैठी है थोड़े सामने जिन्नियां भी लड़ाइयां लड़ियां गरीब दियां मजदूर दियां व्यापारी दियां किसान दियां लड़दे ही अकाली दल ते BSP दी काडर है इस करके आ एक मौका आया है तो सानू पूरा माण है जलंधर दुआबे ते क्योंकि दुआबे दे लोग ने दुनिया देखी है उन्हें पता है चंगे ते माड़ी सरकारां सब तो वध पता है ते नाले वो एनालिसिस करते रहिंदे है ते आ एक मौका है ते असी फिर तो हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि गठजोड़ नूं तगड़ा करन कोई सवाल सम्मानित सभी प्रेस मीडिया के हमारे साथी सभी का आदर सम्मान करते हुए सम्मानित साथियों हम लोग बहुजन समाज पार्टी से पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल के प्रभारी हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का जो आदेश हुआ है वो ये आदेश है क्योंकि पहले से ही बहुजन समाज पार्टी कोई उपचुनाव नहीं लड़ती और इसी कड़ी में आदरणीय बहन जी ने आदेश दिया है कि ये चुनाव उपचुनाव जलंधर की जो सीट है लोकसभा की इसको अकाली दल शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का साझा उम्मीदवार गठबंधन के तौर पर मजबूती से लड़ने का काम करेगा और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से चुनाव लड़ाकर इस चुनाव को शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा धन्यवाद हाँ जी दाढ़ी कट्टी सी ते टी-शर्ट लाल सी ओह कहिंदे ओह पा के भी दिखा दूं तैनूं अगले दिन ओह भी पा के दिखाता आ सरकार है नहीं इत्थे इत्थे कोई कमांडर नहीं आपां हैडलैस हैं लीडरलैस हैं पंजाब दी सरकार अज जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं इनफ्लेशन का कंट्रोल नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री है नहीं एक शराबी आपां नूं मिल गया नकम्मा नलायक निखिद बंदा जिन्हें बर्बाद करता पंजाब नूं हुण ओह जिहा बंदा फैसले की ले रहा अज मैं देख रहा सी एक असी नवां फैसला दे रहे हैं पंजाब के लोगों 7:30 बजे दफ्तर खुलणगे आ कोई फैसला नवां तुसीं कहना सी मैं बिजली दा इंतजाम कर ली कोई फिक्र ना करो करना की सी हुण अपनियां कमियां लुकाउण वास्ते लोगों नूं मैं लगता हले तो 7:30 बजे जे बिजली कट होर लग गए रात दे 12 बजे शुरू हो जाएंगे दफ्तर जिवें लगता है इन्हां दा जे तुसीं इन्वेस्टिगेशन करा लो इन्हां दे कोई वर्कर होने जिन्हां ने शराब बनाई होनी है श्रोमणी अकाली दल ते BSP असी सके भरावां मंगू है
देखो असी दिल दे साफ है, अकाली दल पार्टी बड़ी सीधी साफ पार्टी, असी ना लैन देन ये वो। तो मैं देखिया बी एस पी वाले भैन जी तो मैं मेरी विचारा हुई हैं, उन्हां दी सोच साडी इक्को जी है। असी को असी मैरिट ते डिस्कस करते हैं, जिहड़ी चीज़ां होंदियां मैरिट ते, इहदा फायदा की होना है, क्योंकि जे असी जित्तांगे तो फायदा दोनों होना, हारांगे भी नुकसान दोनों होना। असी अपनी स्ट्रैटजी के हिसाब नाल असी प्लैनिंग करते हैं, ते असी जो साडी इंटरनल स्ट्रैटजी असी तुहानू के दसीए। जिस दिन थोड़े कोले न्यूज़ घट गई मैनू दस दिओ, मैं उस दिन दे दूंगा। यार जिन्ने वड्डे दिग्गज जांदे ना उन्ने ही पार्टी नूं फायदा हुंदा। मैं हले कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि जिन्ना तक थोड़े ना स्टेज ते नाल ना बैठे हो करना कमेंट करना बुरी गल है। नहीं हले तक कोई गल, मैं क्यों गल दसा। केड़ी नहीं नहीं गल तो जो सही हो जो कॉन्क्रीट बाबू आ गए सी आगे थोड़े कोले यार, असी हले पहले मैदान शुरू हो जाए पक जाए उहदे बाद असी स्ट्रैटजी बनावांगे। कैड़ी स्ट्रैटजी नाल की नहीं नहीं हुण असी इहदे बाद साडी मिनट मिनट दी असी अपनी जो जंग लड़ी दी असी पहले ही दस दिए साडी आ टैंक तोपां साडियां आउणगियां, ते फिर साडी स्ट्रैटजी थोड़ी दसना। मैं तुहानूं इक जिहड़े मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है, आम आदमी पार्टी मैं लगता जिहड़ा वोट पाऊगा सही मैंने ते उह पाप करूगा। अज बच्चा बच्चा पंजाब दे विच आई कह रहा है कि साथों बहुत वड्डी गलती हुई। देखो पंजाबियों ने किसी पार्टी नूं आज़ादी दे बाद इन्ना मान नहीं दिता जिन्ना आम आदमी पार्टी नूं दिता, पर जो इन्हां दी करतूतां है जो इन्होंने झूठ बोलिया जो हालात पंजाब की करती है, तो मैं डर है दुख है जो हालात इन्होंने अगले चार साल कर देनी है बड़ा मुश्किल होना संभालना पंजाब नूं। आ जो हरिया भरिया सूबा जिहड़ा डिवेलपमेंट दे पक्खों बड़ी स्पीड चल रहा सी, अज सारे मीडिया वाले जलंधर एक हार्ट है पंजाब दा, तुसी अपने दिल दे हाथ रख के देखो दसो तो सोचो आ जलंधर ते सारे दुआबे जो डिवेलपमेंट हुई है उदों ही हुई है जो श्रोमणी अकाली दल, आ जिन्नियां सड़कां जिन्नियां पुल्स है जिन्ने डिवेलपमेंट है जिन्नी कुछ भी है, क्योंकि आ साडा सूबा है, आम आदमी पार्टी का कोई सूबा नहीं। भगवंत मान नूं कोई फिक्र है, इत्थे लोकां दीआं फसलां खराब हो गईआं ते केजरीवाल दे मगर जहाज ते लैके आसाम बैठा, थोड़े सूबे तबाही होए ते तुसीं आसाम की करन चले हो, क्योंकि मुख्यमंत्री नूं जहाज ते लैके जाणा अपने स्टेट दे सूबे खर्चा पंजाब सरकार दा उत्थे लैके जाणा है, ते ड्राइवर बन के वो नाल जांदा है असिस्टेंट बन के ड्राइवर भी नहीं। थैंक यू। हाँ जी कांग्रेस का गढ़ मनिया जा रही है सीट जड़ी है जिससे फाइट हो रही है, तो उधर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का कैंडिडेट लेके सीट उतारता है और बेसिकली जड़ी है क्योंकि सरकार दे विच नहीं, किवें देखते हो इस सिनेरियो नु बाकी पार्टियां किस तरीके दे नाल आपा 13 तारीख नु रिजल्ट आने हैं, 13 तारीख नु असी लड्डू वंडांगे। थैंक यू।